सो गाइस, हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। जो लोग छात्र और अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगी। छात्र और अधीक्षक के कंप्यूटर के क्लास देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छात्र और अधीक्षक के देखिए, यहाँ पर आप सभी को बता दिया हूँ कि छात्र और अधीक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए हम एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला शुरू किए हैं, जिसमें हमें छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये सभी छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप सभी के लिए छात्र और अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी मैं ऐसी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। ये नए बच्चों के लिए है। देखिए, छात्र और अधीक्षक भर्ती परीक्षा के कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता HDD होगा, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि देखिए यहाँ पर HDD, ठीक है। HDD का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई है। तो देखिए, सभी कंप्यूटर इकाई कौन सा है, ऑप्शन बी स्पीकर एक इनपुट इकाई है, बाकी क्या है ये इनपुट आउटपुट इकाई है, ठीक है। ये आउटपुट हो गया, बार कोड भी आउटपुट हो गया, कीबोर्ड भी आउटपुट है, जबकि इनपुट इकाई पूछा गया ना, यानी कि इनपुट यूनिट क्या होता है, तो ये स्पीकर एक इनपुट इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किसने किया है। तो इसका विकास किसने किया है, तो जेराक्स कॉरपोरेशन ने, यानी कि जेस किल्बी ने, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस छोटे छोटे यानी कि प्रोग्रामों को प्रदर्शित करने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। देखिए, ऐसी प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा आईकॉन, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा आईकॉन, ठीक है, आईकॉन ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आईकॉन होता क्या है तो देख लीजिएगा आईकॉन, एक मिनट ना, चलिए आइकॉन होता क्या है तो देखिए आइकॉन एक छोटे छोटे तस्वीर होते हैं जिन्हें किसी विशेष प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए शॉर्टकट की तरह उपयोग किया जाता है। इसे आइकॉन्स के नीचे प्रोग्राम का नाम भी लिखा जाता है, ठीक है। आपको डिटेल में बता दिया हूँ, ठीक है। ऐसी सभी का डिटेल में आपको बताऊँगा क्या होता है, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और छात्र और अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर छात्र और अधीक्षक की क्लासेस होगी, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा वर्तमान में जो चल रहे प्रोग्राम को आइकॉन डिस्प्ले करता है, क्या करता है, आइकॉन का डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाता है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो विंडो का ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, विंडो का ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका टाइटल बार है, जो टाइटल बार है विंडो के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब होता क्या है तो देखिए, टाइटल बार वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को आइकन स्क्रीन के सबसे ऊपर में टाइटल बार प्रदर्शित होता है, जिसे क्लिक करने पर विंडो का प्रोग्राम आ जाता है सामने में, ठीक है। एमएस वर्ल्ड या फिर इनसेट मेनू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। देखिए, एमएस वर्ल्ड है जिसमें इनसेट को मेन्यू ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका डी, अल्ट प्लस आई, ठीक है, ए एल्ट प्लस आई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब डिटेल के बारे में बताऊंगा, देखिए यहाँ पर जो डिटेल है, सॉरी इसका डिटेल में नहीं लिखा हूँ ना PDF में, चलिए कोई बात नहीं।
नेक्स्ट है आपका कि एमएस वर्ल्ड में किस सुविधा के द्वारा किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर कोई नीचे सूचना जैसे टाइटल हो गया है, पेज की संख्या हो गया है, डेट डाला जा सकता है, ये है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा आपका, जल्दी बताइए, इसका आंसर हेडर और फुटर। देखिए हेडर और जो फुटर होता है, हाँ हेडर और फुटर होगा, प्रत्येक पन्ने पर दिखाई देता है ना, वही है हेडर और फुटर। देखिए हेडर फुटर क्या होता है, तो एक बार देखिए, हेडर और फुटर होता है एक किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर, यानी कि हर पन्ने पर। देखिए अब प्रत्येक पृष्ठ पर क्या होता है, ये एग्जाम में पूछ चुका है, तो मैं आपको हेडर और फुटर से मैं आपको क्वेश्चन करा दिया हूँ, ये पिछले कक्षाओं में पूछा गया था, ठीक है। ऊपर एक रेयर होता है जिसे किसी भी प्रकार का सूचना डाला जा सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। किस फंक्शन के द्वारा एम एस वर्ल्ड, ठीक है, किस फंक्शन के द्वारा एम एस वर्ल्ड में स्पेलिंग की सामान्य गलतियों को टाइप करने में सुधारा जाता है, जो स्पेलिंग गलतियां होते हैं, त्रुटि सुधार कहते हैं उसको, जो स्पेलिंग गलती होती है तो उसको किस में आंसर आएगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑटो करेक्ट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑटो करेक्ट, ठीक है। अब ऑटो करेक्ट क्या है, एक ऑटो करेक्ट क्या है, तो देखिए ऑटो करेक्ट फंक्शन द्वारा वर्ड प्रोग्राम में स्पेलिंग की सामान्य गलतियों को स्वयं टाइप करते हैं और करते समय सुधार भी देती है। इसमें शब्दों को ठीक करने की एक डिक्शनरी होती है, क्या होती है, शब्दों को ठीक करने की डिक्शनरी होती है जिसमें अन्य भी शब्द जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इनमें से किस प्रकार के प्रिंटर में आवेशित, किस प्रकार के प्रिंटर में आवेशित स्याही टोनर यानी कि कैरेक्टर इंक टोनर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या है, तो देखिए यहाँ पर लेजर प्रिंटर एक उच्च गति वाला नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। देखिए अब एग्जाम में कैसे पूछा है कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, लेजर प्रिंटर, ठीक है। अब लेजर प्रिंटर इनमें से सेमी कंडक्टर यानी कि लेजर बीम होता है ना, उसका प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ सभी का मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर के क्लास ज्वाइन करना है तो डेली जुड़े रहें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, क्या करोगे, वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट करके रख लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते हुए चले, ठीक है। चलिए किस प्रकार के डिजिटल फाइल को ईमेल द्वारा किसी दूसरे के द्वारा भेजा जाता है, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिएगा ना, इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बहुत लोगों का गलत आ रहा है इसका आंसर, वीडियो तो होगा ही नहीं, ना इमेज भी नहीं होगा, ना डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा, क्या बोल रहा है इसमें, डिजिटल फाइल को ईमेल द्वारा किसी दूसरे के द्वारा भेजा जाता है ना, किसी दूसरे, एक मिनट ना, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, जिन लोगों ने वीडियो इमेज और डॉक्यूमेंट बोला है उनका ना पूरा सही है, ठीक है, पूरी सही है, ठीक है, मैं सॉरी गलत कर दिया था ना इसको, सॉरी। किसी प्रकार के डिजिटल फाइल है, कोई भी डिजिटल फाइल को ईमेल के द्वारा किसी दूसरे पर भेजा जा सकता है ना, सभी होगा इसका आंसर, सभी होगा, थैंक यू बताने के लिए, मैं भूल गया था, सॉरी ना। डेजी व्हील प्रिंटर यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है वो इंपैक्ट प्रिंटर होता है। देखिए अब इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हाँ डिटेल बताना, ठीक है, जो लोग कमेंट में, हाँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को मैं बोल रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अब देखेंगे क्या होता है इंपैक्ट प्रिंटर, तो देखिए मैं आपको इंपैक्ट प्रिंटर बता दे रहा हूँ, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर यानी कि इस प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है, जो इसका आविष्कार डॉक्टर एंड्रेन गोवर ने किया था, कब के दशक में, तो 1970 ईस्वी के दशक में किया गया था, ठीक है। यदि किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव करके कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है, देखिए अब ये ऐसी प्रश्न एग्जाम में पूछता है, ठीक है, सेव करके कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो डाटा यथावत रहता है, डाटा क्या होता है, स्थिर रहता है, ठीक है, डाटा स्थिर रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगा। अब जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, देखिए एक बार देख लीजिएगा सेकेंडरी स्टोर क्या होता है, ठीक है, तो फाइल सेव होने के बाद भी डाटा सेकेंडरी स्टोर में जाकर स्टोर हो जाता है,
हार्ड डिस्क द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है, और अर्थात जब किसी फाइल को हम सेव करते हैं तो डाटा क्या होता है, हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल मैं आप सभी को डिटेल बताऊंगा, जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं। एक बाइट में कितने करेक्टर को निरूपित किया जा सकता है, मतलब डोनेटेड कर सकते हैं। ठीक है, एक बाइट होता है उसमें कितने करेक्टर को निरूपित कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपका बी होगा 256। ठीक है, 256 हो जाएगा। अब देखिए 256 का मतलब यहाँ पर एक बाइट में 256 करेक्टर को निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन कहता है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कथन सत्य देखेंगे, तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है ये हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। दूसरा कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। तीसरा है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को यानी कि इंगित करता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका होगा डी, ये सभी सही हैं। ठीक है, अब देखिए सभी सही हैं मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य इस प्रकार के होते हैं। देखिए ये हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध को स्थापित करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को एरर को इंगित करता है। ठीक है, और उसके बाद भी देखिए यहाँ पर मेमोरी और फाइल यानी कि प्रबंधन करना तथा मेमोरी को स्टोरेज के डिस्क के बीच डाटा का आदान प्रदान करना। ठीक है, और उसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं डाटा को अवैध रूप से प्रयोग से सुरक्षित करना। देखिए अगर वीडियो में आपको एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोबारा देख सकते हैं, या फिर वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं ना, कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, आप सभी को मैं बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं आप सभी को बता दिया था, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको पूरा डिटेल बताया गया है, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इसका आंसर डी होगा, एप्पल ओएस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, देखिए अब इनमें से कौन सा इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है, तो वेब कैमरा क्या होता है कि इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है वेब कैमरा, जबकि ये इनपुट डिवाइस कौन सा है, ट्रैक बॉल। जॉयस्टिक क्या होता है, गेम खेलने का काम आता है, क्या आता है, गेम खेलने का काम आता है। लाइट पेन ये भी इनपुट डिवाइस है। अब देखिए इसका डिटेल देखिए, यहाँ पर वेब कैमरा तो आंसर आएगा ही, लेकिन ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये आपका है, यह एक आउटपुट डिवाइस यानी कि आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं है तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए, इसका आंसर होगा आपका स्कैनर। ठीक है, स्कैनर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब स्कैनर क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग करके टेक्स्ट, इमेज और रेखा चित्र को डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर मेमोरी स्टोरेज किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए थर्मल प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण, ये थर्मल प्रिंटर होता है किसका उदाहरण है, तो थर्मल प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्या होता है तो देखेंगे यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, हाँ आप पता है तो क्या होगा, चलो ठीक, नहीं बताता ना, पता है तो। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर सीट का जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाए। देखिए अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं परीक्षा हॉल में, ठीक है, तो एक आपको वो मिलता होगा OMR सीट मिलता होगा, वहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टिक लगाते हैं ना, ऐसे पूरा ऐसे टाइप का रहता है आपका, तो उसको पूरा ऐसे ऐसे पूरा घेरा करते हो ना, ऐसे ऐसे करके जो ऑप्शन सही रहेगा इसको पूरा टिक लगाते हो, वही OMR सीट है। ठीक है, वही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
ठीक है। आप टिक आप OMR होता क्या है तो देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। फुल फॉर्म पूछे तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए किया जाता है। OMR शीट का होता है जो जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर यह चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन देखे हैं, कल देखेंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, ये तो टेस्ट था आप लोगों का। हाँ, चलिए, थैंक यू।